हेलो 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 हेलो, की हाल चाल? बढ़िया। ठीक है। अब हम आपका एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान, जिसे आप कॉरपोरेट एंड अदर लॉस के नाम से जानेंगे। तो आप सब एक जयकारा लगाओ, हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? कॉरपोरेट एंड, आवाज में दम नहीं है, कॉरपोरेट एंड। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है आपका, यानी हम आपका पेपर नंबर कौन सा? तू नहीं बोलते, आप बोलते। हाँ, पेपर नंबर सेकंड है, पेपर नंबर में गुड। पेपर नंबर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके सब्जेक्ट का नाम आप मुझे बताने जा रहे हैं। आवाज में होना चाहिए दम। बताओ बेटा, सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉरपोरेट एंड अदर लॉस। आवाज में दम नहीं है क्या? बिल्कुल बढ़िया, कॉरपोरेट एंड अदर लॉस है ना। अब सवाल उठता है सबसे पहले कि यार लॉ क्या होती है, फिर हम आगे बात करेंगे ना कि कॉरपोरेट लॉ क्या होगी और अदर लॉ क्या होगी। यार लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है, लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है। सर हम भी बोलना चाहेंगे लॉ एक, आवाज में दम नहीं है, लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है। तो लॉ को समझने के लिए सबसे पहले लॉ आता कैसे है उसके ऊपर हमें बातें करनी है। स्टार्ट करें। अच्छा, जैसे लेट सपोज कोई भी एक कंट्री है और उस कंट्री में किसी भी टॉपिक पर क्या आ सकती है? प्रॉब्लम। कोई भी कंट्री में किसी भी टॉपिक पर क्या आ सकती है? प्रॉब्लम। जैसे आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है, तू तो साड़ी केयर नहीं करदा, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो लेट सपोज एक प्रॉब्लम क्या चल रही है, तू तो साड़ी केयर नहीं करता। और टाइम स्पेयर नहीं करता है ना, ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, गुस्सा नहीं करते, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, तू तो साड़ी केयर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता, जिसकी वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं। प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है। या ये हम उनको एक और शिकायत भी रहती है नारी शक्ति को, कई बारी मेरे नोटी सैया जी 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 है, नोटी है सैया है। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। पॉइंट समझ आ रहे ले? एकदम रापचिक पक्का गुड। यार किसी भी कंट्री में कोई भी टॉपिक को लेकर क्या आ सकती है? प्रॉब्लम। तो भाई जब जब प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशंस भी बनेंगे, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के सॉल्यूशंस भी बनेंगे है ना। तो यानी इन प्रॉब्लम को दूर करने के क्या बनाए जाएंगे? सॉल्यूशंस। मजा नहीं आ रहा? इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के क्या बनाए जाएंगे? ठीक है जी, ये सॉल्यूशन एक जगह लिखे जाएंगे, ये सॉल्यूशन एक जगह लिखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिस पेपर पर ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिखे जा रहे हैं, जो पर्सन लिख रहा है उसे आजकल लेजिस्लेचर कहते हैं। जयकार लगाओ, उसे आजकल, आवाज में दम ही नहीं है, उसे आजकल, यानी लेजिस्लेचर इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लिख रहा है कि अगर ये दिक्कत आए तो ऐसे सॉल्व करना, ये दिक्कत आए तो ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। लेजिस्लेचर हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लिख रहा है। मैं पहले आपको यह बता रहा हूं कि लॉ आता कैसे है, फिर बात करेंगे लॉ होता क्या है। पहले हम क्या बात करें? लॉ आता कैसे, फिर हम बात करेंगे लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ होता क्या है, वो हम डिटेल में बात करने वाले हैं एकदम।
तो जब आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आपने कहा यार किसी भी कंट्री में किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आई और उन प्रॉब्लम के क्या बने सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन एक जगह लिख रहे हैं, जो बंदा लिख रहा है वो आजकल लेजिस्लेचर है, और जिस जगह लिखा जा रहा है उसको कहते हैं व्हाइट पेपर। कौन सा पेपर? मजा नहीं आ रहा, कौन सा पेपर? वेरी गुड, यानी व्हाइट पेपर यानी कोरा कागज, ठीक है मन में ऐसे कुछ था ना, कोरे कागज पर लेजिस्लेचर रूल्स लिख रहा है, रेगुलेशंस लिख रहा है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। अब लेजिस्लेचर ने ना ये पूरे सॉल्यूशंस लिख दिए। जब बेटा सारे सॉल्यूशन आप लिख लेते हैं तो इन सॉल्यूशंस का ये जो बंडल बन गया, इतने सारे पेजेस, एक स्पाइरल टाइप बन गया जिस पर सारा लॉ लिखा गया, ये कहलाएगा बेटा प्रपोज्ड ड्राफ्ट। जयकार लगाओ, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? आवाज में दम नहीं है, ये क्या कहलाएगा? इसे हम प्यार से बिल्लू भी कह सकते हैं, बिल्लू मतलब बिल, इसे हम बिल भी कह सकते हैं। बोलना आपको पड़ेगा प्रपोज ड्राफ्ट, या फिर इसे हम क्या भी कह सकते हैं? बिल। पॉइंट क्लियर है? चलो कहानी अभी तक की किसी भी कंट्री में क्या आई? दम नहीं है, किसी भी कंट्री में क्या आई? प्रॉब्लम्स के क्या बनेंगे? सॉल्यूशन कौन बनाएगा? किस पेपर पे लिखेगा? और जब सारे सॉल्यूशन लिख देगा तो टुगेदरली नोन एज प्रपोज ड्राफ्ट या फिर मैं नहीं रहा प्रपोज ड्राफ्ट या फिर वेरी गुड यार। अब ये बिल, अब कौन ये बिल हम लेकर जाएंगे कहां पर? पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएंगे, और पार्लियामेंट में पहले कौन सी सभा? लोकसभा, है ना, लोअर हाउस में ये बिल पेश करेंगे। लोअर हाउस में, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जयकार लगाओ, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसे आजकल क्या भी कह देते हैं? लोकसभा। कौन सी सभा? लोकसभा। पक्का? लोकसभा में हम लेकर गए और वहां पर पेश करा गया कि बहुत लोगों की कंप्लेंट है, बहुत वाइफ्स की कंप्लेंट है हस्बैंड को लेकर कि तू तो साड़ी केयर नहीं करता और टाइम स्पेयर नहीं करता, या फिर मेरे, हाँ बोलो ना, मेरे नोटिस सही है जी, हैं ऐसे हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हमने, ये सोल्यूशन बनाया, क्या तुम्हें ये बात पसंद आई? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पसंद आई, यानी लोकसभा में ये बिल क्या हो गया? अच्छा जी सर, इसको भी पास होने के लिए 200 चाहिए होते हैं और हर सब्जेक्ट में 40, ऐसा नहीं है, यहां पर वोटिंग होती है, यहां पर वोटिंग होगी और वोटिंग के आधार पर डिसाइड होगा कि ये पास हुआ या फिर, ठीक है। लेट सपोज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये चीज क्या हो गई? पास, ठीक है जी। फिर अब बताओ ये बिल कहां पेश करा जाएगा? राज्यसभा, है ना, यानी अब ये बिल कहां लेकर गए हम? राज्यसभा। राज्यसभा में भी ये बिल क्या हो गया? पास। लेकिन अभी भी हम इसको अपनी कंट्री में, अपने देश पर लागू नहीं कर सकते। बोलना पड़ेगा, अभी भी हम इसको अपनी कंट्री में, देश पे लागू नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने इसे रखा जाएगा। किसके सामने रखा जाएगा? आवाज में दम क्यों नहीं आपका? किसके पास, किसके सामने रखा जाएगा? कि बहुत लोगों को ये तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए ये सोल्यूशन बनाए हैं और पार्लियामेंट में इसे पास हो गया। गया हुण तुसी दसो महाराज की करना है दा, मतलब ये जो बिल बना है इनका क्या करना है, हमारे को देश पे एप्लीकेबल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब से करना चाहिए, ये सब बातें आप बताओ, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर क्या लगा कि यार ये हमारे कंट्री में एप्लीकेबल होना चाहिए, ये हमारी कंट्री में, मजा नहीं आ रहा, ये हमारी कंट्री में, तो वो इस चीज के लिए अपनी हां कह देते हैं, यानी वो अपनी क्या दे देते हैं? असेंट। जब वो असेंट देते हैं, जैसे ही उन्होंने क्या कहा कि हां यार ये तो प्रॉब्लम जो थी इसके सॉल्यूशन तुमने बहुत बढ़िया बनाए और इसे हमारे देश में लागू भी होना चाहिए,
उस चीज के लिए जैसी वो असेंट देंगे, जिसको आप अभी तक क्या कह रहे थे, बिल या मजा नहीं आ रहा, बिल या वो अब से कहलाएगा एक नए नाम से एक्ट, वो एक एक्ट बन जाएगा, जयकारा लगाओ वो एक पॉइंट क्लियर हुआ। यानी जिसे हम जैसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस चीज के लिए अपनी असेंट देगा, असेंट देते ही जिसको आप अभी तक कह रहे थे ओ बिल्लू यानी बिल, वो बिल हुण की हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, है ना, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, तो ये एक्ट ऐसे बनता है, एक्ट ऐसे बनता है। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट जब है असेंट दे देता है तो ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। सर इसके बाद ये एक्ट छपेगा, बताओ कहां पर, ऑफिशियल गैजेट में, जयकार लगाओ कहां पर, मजा नहीं आ रहा, कहां पर, ऑफिशियल गैजेट होता है बेटा गवर्नमेंट की मैगजीन या गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर। यानी गवर्नमेंट को किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्म करना होता है तो वो किसके थ्रू करती है, ऑफिशियल गैजेट, बोलना पड़ेगा, वो किसके थ्रू करती है, है ना। असेंट मिलने के बाद ऑफिशियल गैजेट, ओजी मतलब ऑफिशियल गैजेट में इसे डाला जाएगा, है ना। ऑफिशियल गैजेट क्या हो गया बेटा, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर कह लो एक तरह से, इंफॉर्मेशन जो चीज दे, न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं, मैगजीन भी कह सकते हैं। पॉइंट क्लियर, पक्का। फिर इसके बाद ये बात जाती है मीडिया में, फिर मीडिया सबको इन्फॉर्म करती है कि ऐसा ऐसा हुआ, कि एक नया कानून आया है, एक नया लॉ आया, एक नया एक्ट आया है, और वो ये सब कहता है। पॉइंट क्लियर हुआ, स्टेप समझ आए। अब सवाल क्या उठ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हां कर दी कि यार ये चीज हमारे देश में लागू होनी चाहिए, ठीक है जी, लागू हो भी गई, लेकिन कब से लागू होगी ये बात भी प्रेसिडेंट ही बताएगा कि यार ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा हमारे देश में। जैसे आप सबको याद होगा, आप सबको एक बात याद होगी, क्या, सुनो, एक आपने फाउंडेशन में एक्ट पढ़ा है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बोलना पड़ेगा, द सेल ऑफ, आवाज में दम नहीं है, द सेल ऑफ, ये इसको, ये एक्ट को जो असेंट मिल गई थी ना, एक महान दिन होता है बेटा, महान पुरुष उस दिन आते हैं, मेरा बर्थडे, थैंक यू, ठीक है ना। तो 15th मार्च, लेकिन ये ईयर अलग है, मैं तो डे की बात कर रहा हूं बेसिकली, 15 मार्च 1930 को यार ये कानून को असेंट मिल गई थी, ये लॉ को, ये एक्ट को क्या मिल गई थी, असेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ने इसको एप्लीकेबल कब करवाया था, 1 जुलाई 1930, यानी हम बनने के बाद भी जरूरी नहीं है वो कानून उसी दिन से ही लागू हो जाए, यानी इसकी एप्लीकेबल डेट क्या भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। पॉइंट समझ आ रहे है? मैं आपसे कुछ बातें करने और जा रहा हूं, एप्लीकेबल डेट को ना लॉ में, आप कहते हो ना यार ये कानून हमारे देश में लागू हो गया है, लॉ में उसे कहते हैं कमेंसमेंट, जयकार लगाओ, लॉ में उसे क्या कहते हैं, आवाज में दम नहीं है, लॉ में उसे क्या कहते हैं, कमेंसमेंट भी कह सकते हैं, या फिर केम इनटू फोर्स भी कह सकते हैं, यानी ये चीज इस दिन से लागू हुई। तो अगर डेट मेंशन करी है, एप्लीकेबल डेट, कमेंसमेंट या केम इनटू फोर्स डेट मेंशन
करी गई है, तो बताओ बेटा वो लॉ कब से एप्लीकेबल होगा, वो लॉ कब से एप्लीकेबल होगा, जल्दी बताओ। मेंशन डेट, एप्लीकेबल फ्रॉम, एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम मेंशन डेट। लेकिन अगर एप्लीकेबिलिटी वाली डेट मेंशन नहीं की गई, बोलना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी वाली डेट मेंशन नहीं की गई कि यार कब से एप्लीकेबल होगा, प्रेसिडेंट ने कुछ बताया ही नहीं, यानी डेट मेंशन करी या नहीं करी, डेट मेंशन नहीं करी, तो बताऊं एप्लीकेबल कब से आ जाए, हो जाएगा ये विद इफेक्ट फ्रॉम असेंट डेट, असेंट डेट यानी जिस दिन इसको सहमति मिली है वो उस दिन से ही क्या हो जाएगा, एप्ली और केबल। क्या आपको यहां तक का पॉइंट क्लियर, पक्का श्योर है आप सब? चलो एक बार सारी बातें बताओ, एक बार मुझे सारी बातें बताओ फिर हम आगे बात करते हैं। चलो हमारा पेपर नंबर कौन सा है, पेपर नंबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, टू, पेपर नंबर, सब्जेक्ट का नेम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, मजा नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट एंड हम बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तो सबसे पहली बात लॉ आता कैसे है, लॉ इवॉल्व कैसे होता है, तो सबसे पहले बताओ किसी भी कंट्री में क्या होती है, दम नहीं है, किसी भी कंट्री में क्या होती है, प्रॉब्लम्स के क्या बनते हैं, जो बना रहा है वो कौन है, किस पेपर पे लिख रहा है, और टुगेदरली नोन एज प्रपोज ड्राफ्ट या दूसरा नाम बिल, और इस प्रपोज ड्राफ्ट और बिल को हम कहां लेकर जाएंगे, लोकसभा, फिर दोनों से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेकर जाएंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इसकी क्या दे देता है, असेंट, तो ये बिल जो अभी तक बिल कहला रहा था अब वो क्या कहलाएगा, अब प्रेसिडेंट ने जैसे ही हां बोली, अब अगला स्टेप ये ऑफिशियल गैजेट में छपेगा, और ऑफिशियल गैजेट में छपने के बाद मीडिया में बता दिया जाता है, और फिर मीडिया पब्लिक को इन्फॉर्म कर देती है। सवाल उठता है जिस दिन ये एक्ट आया, असेंट मिली, क्या ये उसी दिन से एप्लीकेबल होगा या बाद में एप्लीकेबल होगा, बाद नहीं, ये डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट ने कोई डेट मेंशन करी है या नहीं। अगर करी है तो उसी दिन से, और अगर नहीं करी तो, पॉइंट क्लियर, ये एक बार नोटी नोटी करो, स्टार्ट करो। देखते पहले कौन नोट कर पाएगा, खिलाड़ियों में काफी उत्साह, जल्दी जल्दी। डंडन अडंडन,
यहां तक कर लिया नोट, कोई रह तो नहीं गया? गुड बच्चे। तो असेंड डेट सेम भी हो सकती है एप्लीकेबल डेट के साथ और अलग भी हो सकती है, तो वही मैंने लिखवाया। इसके बाद लॉ आता कैसे है वो हमें समझ आ गया, स्टेप क्या होता वो हमें समझ आ गया, है ना। खेलें आगे, कहानी बढ़ाए, गुड। चलो अब मैं आपके साथ अगली बात करने जा रहा हूं, लॉ होता क्या है। ये आप लिख लें फटाफट से जो रह गए, और आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि लॉ होता क्या है ना। इसके बारे में चलो सुनना, मेरी बात सुनना यार। लॉ जो होता है ना बेटा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कहा जाता है। लॉ बेसिकली क्या है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो किस लिए बनाए गए, टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। लॉ क्या होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जयकार लगाओ, वो सारे, समझ नहीं आ रहा, वो सारे जो किस लिए बनाए जाते हैं बताओ, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो किस लिए बनाए जाते हैं, टू कंट्रोल द, समझ नहीं आ रहा, टू कंट्रोल द, ठीक है ना। जैसे आप सबको पता ही है कि यार, एक एग्जांपल करते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपका कार तेज चलाने का मन करता है या स्लो, मन की बात बताओ, जो मैं बुलवाना चाह रहा हूं वो बोल, जो तू कहने जा रहा है वो नहीं। कार क्या चलाने का मन करता है कि यार बहुत तेज तेज चलाए, यानी गड्डी में 220 तेज चला, ठीक है ना, और रेड लाइट वगैरह आ रही है तो कई बार बंदा क्या कहता है, चल छोड़ यार, निकल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब चलान आ रहे हैं तो अब मन नहीं करता, यानी वो चलान, वो रूल्स रेगुलेशन। बताओ बेटा, अगर आप 14 फेब आने ही वाला है, ठीक है ना, और ठीक है ना, तो बाइक पे आप बैठे हैं, जैसे आगे लेट सपोज संस्कार बैठा है, पीछे उसके सौरभ बैठी है, वो बैठा है, तो बताओ बेटा संस्कार तेजी से क्या चला रहा है, बाइक चला रहा है, और बताओ बेटा हाई स्पीड के लिए पुलिस वालों ने इनको साइड पे रोक लिया और कहा दिखाओ सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, और इनका 2000 रुपए का हाई स्पीड का चलान लेट सपोज कट हुआ है, तो बताओ बेटा अब ये अगली रेड लाइट पर क्या ये गाना गाएंगे, गड्डी में 220 तेज चला, बताओ। चलान कट गया तो उसके बाद अगले दिन ये तेज चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, यानी इनका बिहेवियर क्या हो गया, कंट्रोल। सिमिलरली आपके घर में फंक्शन वंक्शन होता है तो रात को 10 बजे के बाद भी आपका डीजे चलाने का मन करता है, ठीक है ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, यही वाली फीलिंग रहती है ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, है ना। लेकिन बताओ बेटा आपके जो पड़ोस में बैठी हुई आंटी है, बताओ वो पुलिस बुला लेगी या नहीं, 100 अगर 100% बुला लेगी, अगर आप लेट तक डीजे बुलाएंगे तो फिर आंटी पुलिस बुला लेगी, लेकिन आप क्या कह रहे होते हैं, अगर आंटी पुलिस बुला लेगी तो है ना, सूचना जनहित में जारी, जो भी जैसा भी है। लेकिन एक बात बताओ यार, अगर 10 बजे आपका डीजे प्रॉपरली बंद करवा दिया जाए तो उसके लिए लॉ बना हुआ है कि 10 बजे तक डीजे बंद हो जाए, तो इससे क्या हुआ, आपका बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल्ड मैनर में आया, आपने सब कुछ सही टाइम पर करा। तो यानी ये जो सारे रूल्स बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर।
जैसे अगर मैं बात कर लूं सौरभ की बात कर लेता हूं, सौरभ बहुत गुस्से वाला इंसान है, इसकी एक टांग नकली है, ये हॉकी का बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है ना, गुस्से में रहता है, संस्कार ने इसको धक्का मारा और ये सौरभ उसके पीछे चाकू लेकर भागा कि आज तुझे मार दूंगा। बताओ चाकू मारते वक्त एक ख्याल आया, वो ख्याल क्या आया कि अगर मैंने इसको गलती से चाकू मार दिया तो ये मरमुरा जाएगा और कल को मुझे पुलिस वाले ले जाएंगे और मेरे साथ पोषण पा खेलेंगे कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी, जेल का पानी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो बताओ बेटा जेल ना जाना पड़े इसके लिए कानून बना हुआ है, तो जेल जाना पड़ेगा अगर आप किसी का मर्डर वगैरह कर देंगे या अटेम्प्ट टू मर्डर भी करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो बताओ बेटा ये मारेगा उसको या नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। यानी इसका बिहेवियर कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? मजा नहीं आ रहा, इसका बिहेवियर कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर। यही बात यहां पर भी है, यानी लॉ की अगर मैं बात करूं आपके साथ, लॉ क्या है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ क्या मजा नहीं रहा, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। Framed and implemented. Implemented in the country. बताओ किस लिए? In order to control the human बिहेवियर। कह रहे यार ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ना, किसी भी कंट्री में बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? लॉ। वो सब क्या होते हैं? लॉ। मजा नहीं आ रहा, वो सब क्या होते हैं? लॉ। तो लॉ क्या हो गया? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ, बोलना पड़ेगा, इट रेफर्स टू द, मैं नहीं आ रहा, इट रेफर्स टू द क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन, बोलना पड़ेगा क्या? आवाज में दम नहीं है क्या? जो फ्रेम्ड करे गए हैं और इंप्लीमेंट करे गए हैं, किस लिए करे गए हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द, ठीक है जी, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड एंड इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। वेरी गुड। अब सवाल क्या उठ रहा है? जब हमें तो सर, सवाल जरा सुनना, हमारे कोर्स में क्या है? अगर मैं आपको कोर्स की बात करूं, हमें क्या करना है जरा सुनना, ये हमारा कोर्स है, जो कोर्स आपको पता ही है यार, 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, लॉ का पेपर हमारा जो पेपर नंबर 2 है, याद कर लो पेपर नंबर जो क्या है 2, वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। जैसे फाउंडेशन में बेटा आपको साथ में अंग्रेजी बीट पढ़नी पड़ती थी, यहां पर ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पूरा का पूरा लॉ ही है ये। तो कोर्स कंटेंट हमारा क्या है उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या था? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। यानी हमें क्या पढ़ने हैं? कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने हैं और कुछ, आवाज में दम नहीं है, हमें क्या पढ़ने हैं? कुछ कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने हैं और कुछ क्या पढ़ने हैं? आवाज में दम नहीं है, कुछ कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़ना है और कुछ अदर लॉस के बारे में पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी लॉ पढ़ना है आपको, तो कंपनी लॉ का क्या पढ़ना है बेटा आपको? सेक्शन 1 से लेकर 148, जयकार लगाओ, सेक्शन 1 से लेकर कहां तक? आवाज में दम नहीं है, सेक्शन कहां से कहां तक? 1 से लेकर 148 ऑफ द जो कंपनी सेक्ट है ना, वो हमें पढ़ना है। कंपनी सेक्ट 2000 किसका?
बदतमीज, 13 बोलते हैं, आपका बोलते हैं। सेक्शन 1 से लेकर कहां तक पढ़ना है? 148 तक। सेक्शन 1 से बेटा आपको कसम लगे आपके अटेम्प्ट की, सेक्शन 1 से कहां तक पढ़ना है? कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में है। सेक्शन 1 से 148 तक पढ़ना है, यानी हमारे को पूरा कंपनी लॉ नहीं पढ़ना, जबकि आप सब जानती है पूरे कंपनी लॉ में 470 सेक्शंस हैं और हमें उसमें से सिर्फ कितने पढ़ने हैं? 148, है ना? ठीक है जी। टोटल हमें 10, ये सेक्शन जो 148 है उसके लिए हमें 10 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। लॉ में क्या होता है, जब सेक्शन लिखे जाते हैं, सेक्शन का मतलब आप सबको बताइए, आप सब फाउंडेशन जब पढ़े हैं तो आपको बताइए, सेक्शन का मतलब पैराग्राफ्स, है ना? पता या नहीं पता? चलो जिन्हें नहीं पता, कोई ऐसा बच्चा हो जिन्हें नहीं पता हो कि सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सब सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्लॉज का मीनिंग क्या होता है, कोई है ऐसा? नहीं तो फिर मैं आप में से किसी से पूछ लूंगा। सबको पता है? कोई पूछना चाहता है? बेटा देखो, एक तो सबसे पहले मेरे साथ आपको हर चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, आपको पूछनी पड़ेगी। चलो कौन अच्छा चलो कौन बताना चाहेगा, सेक्शन किसे कहते हैं, सब सेक्शन किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं? वैसे तो मैं अभी थोड़ी सी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ सेक्शन के बारे में बता दो। सेक्शन किसको कहते हैं? पैराग्राफ्स को। तो लॉ जब लिखा जाता है, मेरा आपसे सवाल, लॉ जब लिखा जा रहा है तो बेटा एक साथ नहीं लिखा जाता, इसमें क्या बनते हैं? कुछ पैराग्राफ, जिन्हें आप आम जिंदगी में पैराग्राफ कहते हैं, जिन्हें आप उसे उसे मेंटोस जिंदगी, यानी लॉ की नजरों में किस नजर से देखा जाता है? पैराग्राफ को, सॉरी सेक्शन, किस नजरों से देखा जाता है? सेक्शन, जिसे आप क्या कहते हैं? पैराग्राफ, वैसे उसे क्या कहा जाएगा? सेक्शन। तो जो सिमिलर सेक्शंस होते हैं ना, सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड बातों वाले पैराग्राफ होते हैं, उनके क्या बना दिए जाते हैं? चैप्टर। तो कंपनी लॉ में टोटल कितने चैप्टर हैं? नहीं, पूरे कंपनी लॉ में कितने हैं? 29। उसमें से हमें कितने पढ़ने हैं? 10। बोलना पड़ेगा हमें कितने पढ़ने हैं, यानी पूरे कंपनी लॉ में 29 बातों के ऊपर डिस्कशन हुई है, उसमें से 10 बातें तो हमें इंटर लेवल पर, मजा नहीं आ रहा, उनमें से 10 बातें तो हमें इंटर लेवल पर पढ़नी। गुड, बहुत बढ़िया। यानी सिमिलर सेक्शन से क्या बना दिए गए? चैप्टर्स, समझ गए? और हमारे को कोर्स में कितने हैं? 10 चैप्टर्स हमारे कोर्स में। यानी हमें पढ़ना क्या है? बेसिकली कंपनीज एक्ट। और अगर मैं अदर लॉज की बात करूं तो उसमें आपको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है। सर ये तो हम बचपन में ही पढ़ा है फाउंडेशन में। नहीं, आपको इसकी आगे की बातें पढ़नी है। आपने जो पढ़ा था वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, अब आपको इंटर में क्या पढ़ने हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। जयकार लगाओ, इंटर में आपको क्या पढ़ने हैं? ठीक है जी। उसके अलावा आपको एक और एक्ट पढ़ना है जिसका नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कौन सा? 1881, ये पढ़ना होगा आपको। उसके अलावा आपको द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट, ये कोई एक्ट नहीं है, एक्ट पढ़ा कैसे जाता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के बारे में हमें यहां पर पढ़ना होगा। यानी बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है यार, देखो हमें पढ़ने क्या है? एक्ट्स। हमारे कोर्स में क्या है? एक्ट्स। ध्यान दो, हमारे कोर्स में क्या है सारे? ये हाईलाइट कर है। वाओ, लो यार लो, रुको,
तुम भी सब चाइनीज ही हो। यार देखो, जो मैंने आपको मेन बात करानी, हमें लॉ में पढ़ने के हैं एक्ट, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया? मजा नहीं आ रहा। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अब सवाल बताऊं क्या उठ रहे हैं, लॉ क्यों रखा गया? एक्ट रखते ना नाम, तो पढ़ाया तो हमारे को कोर्स में पढ़ने क्या है एक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का नाम लॉ क्यों? डिफरेंस है क्या? लॉ और एक्ट सेम होते हैं क्या? लॉ और एक्ट में कुछ डिफरेंस होता है? हां, लॉ और एक्ट, लॉ एक वाइडर टर्म है, क्योंकि लॉ के अंदर क्या क्या आ जाता है, सुन लो मेरी, लॉ एक क्या है बेटा? वाइडर टर्म। अगर मैं आपसे बात करूं ना, लॉ एक वाइडर टर्म है। लॉ इक्वल टू, लॉ इक्वल टू क्या होता है? एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन प्लस ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है लॉ में। लॉ एक वाइडर टर्म है, एक्ट तो बस जस्ट इसका पार्ट है। यानी हम जो कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हमारे मॉड्यूल में आईसीआई ने हमें एक्ट के साथ साथ ना रूल्स भी बता रखे हैं। रूल्स मतलब प्रोसीजर। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज आप कहते हो यार मुझे एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी के रूल्स, कंपनी के प्रोविजन सारे एक्ट में लिखे होंगे, लेकिन कंपनी बनाने के स्टेप्स, प्रोसीजरल वर्क कहां लिखा होता है? रूल्स में। तो हमें वो भी इंस्टीट्यूट ने पढ़ने के लिए कहा है। यानी इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको एक्ट पढ़ना है, इंस्टीट्यूट आपको क्या भी कह रहा है, एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ने हैं। और ये रूल्स कौन फ्रेम करता है? फ्रेम्ड बाय सीजी, ना एजी, ना ओजी, ना सुनोजी, ना मैं हूं मनमोजी, लेकिन यहां पर रूल किसने बनाए? सीजी ने। पॉइंट समझ आया? यानी हमारे कोर्स में सिर्फ एक्ट नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ एक्ट नहीं है, यानी हमें सिर्फ सेक्शंस नहीं पढ़ने, सेक्शंस के साथ साथ उनके रूल्स भी पढ़ने हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? उसके अलावा रेगुलेशंस भी पढ़नी है, जयकार लगाओ, उसके अलावा। सर रेगुलेशन क्या होती है? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। हमारे देश में ना, हमारे देश में तीन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जयकार लगाओ, हमारे देश में थ्री रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर देयर। मजा नहीं आ रहा आपके साथ, कितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं? तीन। उन तीन रेगुलेटरी अथॉरिटीज का नेम बताऊं क्या क्या है? बिल्कुल ठीक, बोलो बोलो बेटा। पहला कौन भी आई, दिखी तो नहीं लेकिन, अच्छा है? ध्यान से देखो, बस कर। आरबीआई, दूसरी कौन होगी? सेबी, और तीसरी कौन? आईआरडीए। जयकार लगाओ, तीसरी कौन? ये तीन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये रेगुलेशंस बनाती हैं, ये रेगुलेशन बनाती है, ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतनी होनी चाहिए, इसके ऊपर सेबी ने भी बताई हुई है कुछ बातें। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने ट्वेल्थ में इतने इतने थे, आप पढ़ते नहीं थे? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर सेबी ने भी बहुत सारी बातें बताई हुई है ना? अच्छा, जो लॉ है उसमें अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसके लिए आरबीआई ने बहुत सारी बातें बताई होंगी, तो हमारे को वो सब का भी ध्यान में रखना है अपने कोर्स में। यानी हमें सिर्फ एक्ट एक्ट नहीं पढ़ने इंटर में, हमें सिर्फ एक्ट एक्ट नहीं पढ़ने इंटर में, हमें एक्ट के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं। बेटे समझ आता? ओके, अब सवाल, यानी लॉ इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस व्हाट इज ऑर्डिनेंस। गुड, आपने सुना हो मुझसे?
गुड। और ऑर्डिनेंस के बारे में कौन बताएगा? तू बेटे सिर तू खाना खा। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और बताओ, और कोई अपनी इन्होंने पूरा सुना हुआ डिटेल में, वेरी चिराग है यही, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलो गुड, बताओ आप अपनी तरफ से बताओ ना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट आपके अलग होंगे बेटा। थोड़ा सा कोई नहीं, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। और कोई बताना चाहे व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ठीक है, वेरी गुड। वैसे हम, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ऑर्डिनेंस, यानी हमारे को वैसे तो लॉ एक वाइडर टर्म है, हमारे कोर्स में कोई ऑर्डिनेंस वगैरह नहीं है, लेकिन कभी आपने वो सुना है एक दिन का सीएम? अनिल कपूर वाली मूवी देखी है? नायक, देखो ये याद है। और अभी मैंने ऑर्डिनेंस जब फाउंडेशन में डिस्कस करा हुआ, वो उसका पता नहीं कौन सा खास है सही। अब हमें क्या करना है याद करके? मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी चीजें आप सुन रहे हैं ये सारे आपका प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी लॉ, चाहे आप कहीं जॉब करें, चाहे आप अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत लोग कहेंगे यार वो सीए मेरी कंपनी बनवा दे यार, ठीक है। तो जो चीज भी आप सुन रहे हैं वो काम आए, और कोशिश करा करो रिटेन्ड ऐसी रहे कि कभी भी क्लाइंट आपको मौका थोड़ा ना देगा। आप क्लाइंट ने पूछा यार मुझे एक कंपनी बनानी है, रुक यार दो मिनट बुक खोल ले, तो वो इतनी देर नहीं वेट करेगा, वो बोले और तुम बताना स्टार्ट करो ये, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? वैसे तो हमेशा क्या होता है कि आपको मैंने प्रोसीजर बनाया बताया है लॉ कैसे पास होता है। सबसे पहले किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एक लेजिस्लेचर लिख लेता है प्रपोज बिल और ड्राफ्ट में, ठीक है ना। साल में कुछ दिन पार्लियामेंट के सेशन ऑफ पर रहते हैं। एक बात बताओ, आप अपनी बात करो, आपका मन नहीं करता रोली पे करें घूमी घूमी, करता है ना कि घूमी घूमी जाएंगे, है ना, छुट्टियां लेने का मन वगैरह करता है। तो ऐसी पार्लियामेंट में भी कुछ दिनों की क्या होता है ऑफ, लेकिन उस दौरान जिस समय पार्लियामेंट के सेशन ऑफ पर हैं, उस दौरान जिस दिन पार्लियामेंट के सेशन क्या है ऑफ पर, हमें इमरजेंसी की सिचुएशन है और हमें कुछ लॉ बनाना ही बनाना है। बोलना पड़ेगा हमें कुछ लॉ मजा नहीं, हमें कुछ लॉ। फिर अब लोकसभा और राज्यसभा का वेट करें? नहीं। तो हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को एक दी है पावर। बोलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को दी है एक क्या power. किस चीज की पावर? कि आप लोकसभा और कौन का सेशन ऑफ पे है, ये मैं ये एक तरह से आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि ये ऑफ पीरियड चल रहा है, मतलब यहां पर पार्लियामेंट का सेशन ऑफ है साल में, यानी इन सब की छुट्टियां हैं और ये सब अपने नानी हाउस जा रहे हैं। ओके, पार्लियामेंट के सारा स्टाफ, सारे एमएलए वगैरह सब कोई। अब सुनना, इस वक्त पर इमरजेंसी कोई पड़ गई और हमें कोई लॉ बनाना है, तो भाई पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा तो बंद है, ये तो कब खुलेंगे? यहां पर। लेकिन हमारे को लॉ की जरूरत कब पड़ रही है? यहां बनाने की। तो अब क्या करा जाए? अब हमारे संविधान ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कौन? इंडिया। हमारे संविधान ने प्रेसिडेंट को एक क्या दे रखी है? एक दम नहीं है, क्या दे रखी है? एक कि अगर पार्लियामेंट के सेशन ऑफ पे और इमरजेंसी है तो आप ये दो स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये दो स्टेप मतलब कौन से?
लोकसभा वाला और राज्यसभा वाला, यानी आप सीधा प्रेसिडेंट क्या करा सकते हो, असेंट दे सकते हो और बिल को क्या बना सकते हो, एक्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? है बिडू एकदम रापचिक, गुड। इधर आओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो असेंट देकर लॉ डायरेक्टली एप्ली और केबल करवा सकता है। लेकिन इस लॉ को मैं बताऊं क्या कहूंगा, ये लॉ क्या हो गया, एक तरह से टेम्परेरी लॉ। फिर जिस दिन पार्लियामेंट का सदन खुलेगा, यानी पार्लियामेंट का सेशन क्या होगा, ओन, तो उन्हें यह बताया जाएगा, जब तुम कर रहे थे रोली पे घुम्मी घुम्मी, उस वक्त पे ऐसा ऐसा हुआ था, उस वक्त पर ऐसा ऐसा हुआ था, अब तुम बताओ क्या हमें अपने ये देश में लागू करना चाहिए या नहीं। यानी आफ्टर आफ्टर पार्लियामेंट सेशन ओपन, बताओ बेटा ये दोबारा क्या करा जाएगा, ले डाउन करा जाएगा, मतलब पेश करा जाएगा कहां पर, पार्लियामेंट में। और अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या हो गया, मजा नहीं आ रहा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या हो गया, तो या तो पास होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द परमानेंट लॉ, मजा नहीं आ रहा, इनटू द, तो ये परमानेंट लॉ बन जाएगा, यानी ये फिर आगे लॉ कंटिन्यू हो जाएगा, यानी ये इस दिन के बाद भी, किस दिन के बाद भी, इस दिन के बाद भी चलता रहेगा। लेकिन पार्लियामेंट जब ओपन हुए तो लोकसभा और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया इसको, कह दिया इस टेम्परेरी लॉ को, कह दिया चल रही चल अब साइड में हो जा, मतलब इसको कह दिया, इस पर क्या लगा दिया, काटा, है ना। तो अब बताओ बेटा इस लॉ की क्या हो जाएगी, डेथ, यानी ये खत्म हो गया। अब ये क्या आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं, यानी ये कब तक एप्लीकेबल रहा है, किस पीरियड तक, इधर से अगर मैं पूछूं तो ये यहां बना था बस, कहां तक रहा, यहां तक, इसके बाद इसकी क्या होगी, डेथ, खत्म हो जाएगा। तो यानी ऑर्डिनेंस को मैं क्या कह सकता हूं, ऑर्डिनेंस को मैं क्या भी कह सकता हूं, टेम्परेरी लॉ। अब सवाल क्या उठता है, सवाल क्या उठ रहा है कि अगर पार्लियामेंट के सेशन ऑन है तो क्या कभी ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, ये कह रहे हो सकता है, कई बच्चे कह रहे नहीं हो सकता, अगर पार्लियामेंट का सेशन ऑन है ऑलरेडी, क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली कोई लॉ एप्लीकेबल करवा सकते हैं विदाउट लोकसभा और राज्यसभा, सौरभ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं चल छुट्टी, पहले कुछ और सी हूं कुछ और, जल्दी दस, पहले कुछ और कह रहा था ना मेरे ख्याल से, ये मेरे को देखकर अगर पलटेगा तो वो तुझे ही देखेगा जैसे वो बैठा हुआ है। चलो बेटा, कभी भी अगर पार्लियामेंट के सेशन ऑन है, ओपन है, फिर कभी भी टेम्परेरी लॉ नहीं आएगा, फिर जब भी आएगा क्या आएगा, परमानेंट लॉ। यानी ऑर्डिनेंस कभी प्रेसिडेंट के पास तब ये पावर नहीं है ऑर्डिनेंस पास करने की, जब पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, बोलना पड़ेगा, जब पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, क्या आपको क्लियर है, पक्का, कोई दर्द, कोई दर्द नहीं, नोट करो। और मैं आपको एक बात बता दूं, चलते चलते कहां गए हो तुम, हां ये रहे तुम, जो कॉर्पोरेट लॉ है ना बेटा, वो आपकी 60 मार्क्स की आती है, जो कॉर्पोरेट लॉ है वो आपकी कितने मार्क्स की आएगी, 60, जो कि अदर लॉ का पोर्शन है ना बेटा आपका, वो 40 मार्क्स का आएगा। वैसे आप सब वेल नोन अवेयर हैं इन सब बातों के, लेकिन आपको बेटा देखो मेरे को बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं भी जानते, ठीक है ना,
तो कॉर्पोरेट लॉ बेटा जो आपका कंपनी लॉ का पोर्शन आता है, हम कह रहे हैं 100 मार्क्स है। यानी सर अब इंग्लिश विंग्लिश कुछ नहीं है? नहीं, अब इंग्लिश विंग्लिश हाय रब्बा कुछ भी नहीं है, अब आपको पूरी लॉ ही पढ़नी है और बहुत अच्छे ढंग से। बताओ बेटा कॉर्पोरेट लॉ कितने तक की आ जाएगी? 60 की आ जाएगी, है ना। आपकी 72 की अटेम्प्ट 60 की करनी होती है, वो मैं पेपर पैटर्न आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप बताओ अल्टीमेटली 60 मार्क्स की 60% पेपर क्या आएगा? 60% पेपर किसका आएगा? कॉर्पोरेट लॉ से, और 40% अदर लॉ से। पक्का? चलो जी बहुत बढ़िया, खेलें आगे। तो आपको समझ आ गया, इवन तो हमें कोर्स में एक्ट पढ़ने हैं, बार बार से ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ क्या पढ़ने हैं? एक्ट। लेकिन साथ साथ हमें क्या भी पढ़ने हैं? उनके रूल्स रेगुलेशंस। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको एक बात भी बताऊंगा, हमें कुछ ऑर्डिनेंस, अभी अमेंडमेंट वगैरह वाले आए थे 2019 के, वो भी बताऊंगा कि हमारे को ऑर्डिनेंस वगैरह, यानी हमें लॉ में सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना, रूल्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस के बारे में भी जानना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट समझ आ गया? तो सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर एक्ट क्यों नहीं पढ़ा, अदर लॉ क्यों पढ़ा, वो अब आपको क्लियर है, क्योंकि हमें लॉ इक्वल टू क्या क्या पढ़ना है? एक्ट। मजा नहीं आ रहा, क्या क्या पढ़ना है? एक्ट प्लस रूल्स प्लस प्लस और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम पढ़ लेंगे। पहले आपने लॉ की डेफिनेशन चेप ली, कुछ लिख रहे हैं अभी? लिख लिया कोई? रह गया? लिख लिया? बड़ा ही तेज चैनल है ये आज तक। लिखो बेटा, लिखो जल्दी। एक मिनट बेटा, कुछ बच्चे नोट करें, कईयों का रह गया। कर लिया यहां तक? कोर्स कंटेंट, अब इंडिविजुअली कौन कितने मार्क्स का आता है चैप्टर, वो हम जब चैप्टर करेंगे तो साथ साथ बता दूंगा, ठीक है जी। चलो कोर्स कंटेंट आपको समझ आ गया कि हमने क्या क्या पढ़ना है, लिख लिया आपने कोर्स कंटेंट? बच्चे कोई रह गया? लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू, द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू, यानी लॉ पढ़ा कैसे जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि मैं आपको बताता हूं यार ये चीज को ऐसे पढ़ना है, ये चीज ये होती है, वो सबका हमारे कोर्स में एक चैप्टर दे दिया गया है कि आपको भी पता चले कि मे वर्ड यूज हो रहा है लॉ में, अगर पढ़ते पढ़ते मे वर्ड यूज हो रहा है तो वो ऑप्शनल है, शैल वर्ड यूज हो रहा है तो वो मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी सबको फॉलो करना है। कब कब मे को शैल पढ़ना है, शैल को मे पढ़ना है, लिखा मे है लेकिन समझना शैल है, वो सब बातें ना इस चैप्टर में बताई हुई है, वक्त आने पे पढ़ाया जाएगा। डेफिनेशन कितने तरह की होती है, लॉ का जो जो एक्ट लिखा जाता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले कौन से वाले सेक्शन देखने को मिलेंगे, फिर कौन से तरह के सेक्शन देखने को मिलेंगे, वो सारा बताया जाता है। शेड्यूल कहां पर होता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में, जब वक्त आएगा तो बताया जाएगा। चलो जी ये लिख लो फटाफट से, देखते हैं पहले कौन खिलाड़ियों में काफी उत्साह। मुबारक हो, कब कब हुआ मुबारक हो संस्कार? हाँ मैं आपको भी मुबारकबाद दे रहा हूं साथ साथ। खेले आगे, थोड़ा थोड़ा सरकाई ले,
मेरे ख्याल से डन 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 मुझे एक बात बता दो, लॉ बनाए क्या जा क्यों बनाए जाते हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अनकंट्रोल बहुत बारी हो जाता है, ठीक है ना? जैसे वो कई बारी क्या कह रहा होता है, पी होती है और एक ही बात कह रहा होता है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो भाई तू गाड़ी इस समय चलाने लायक है नहीं ना, लेकिन बोलता है कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और दूसरे वाले कहेगा भाई तूने पी रखे। अबे पागल है क्या, मैंने कोई नहीं पी रखी, तो दे इधर गाड़ी। लेकिन एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, यानी आप अनकंट्रोल्ड मैनर में चला सकते हैं। सिमिलरली जो वो वाली मूवी थी वेलकम, उसमें उदय अपने आप को क्यों कह रहा होता है कंट्रोल उदय क्यों कह रहा होता है? क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है और एक आधे को नमस्ते लंदन कर सकता है, है ना? डन 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 डन। चलो जी, आपको यह समझ आ गई हमारी कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स की है और अदर लॉ 40 मार्क्स की है। सर हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोर्स, हम अपना कोर्स कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? हम बेटा पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बातें स्टार्ट करेंगे हम आपके कोर्स की। आ जाओ जरा, तो आप सब कोर्स कंटेंट के बारे में जान चुके हैं, बस एक एक बात बस एक बता दूं फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। एक बात मुझे पता है, आप सब जो मुझसे फाउंडेशन में पढ़े हैं वो अवेयर हैं इस बात को लेकर, लेकिन बेटा जो नहीं पढ़े वो शायद अवेयर ना हो इस बात को लेकर, हो सकता है। और अगर नहीं पता होगा ना तो बेटा एक्सेप्ट भी करना वो बात, और जिन्हें पता है वो उनको मैं फाउंडेशन में बता चुका हूं इसलिए उन्हें पता है। बस 5-7 मिनट ये, फिर आपका कोर्स स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट है तो पता होना चाहिए। यार जब भी कोई एक्ट होता है, जैसे ये था द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19 क्या, अब जरा सुनना, हमेशा जो एक्ट शब्द यूज होगा वो उसमें ए जो होगा ना वो कैपिटल लेटर में होगा, ए हमेशा किस में होगा कैपिटल लेटर में। यानी एक्ट दो तरह के हो सकते हैं ना, ये और ये, इसका मतलब टू डू कुछ करना, और इसका मतलब ये अगर कैपिटल से लिखा है तो इट मींस ये नेम में यूज होगा। यानी कभी भी कोई भी एक्ट आप पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें जब एक्ट वर्ड यूज होगा तो ए का अल्फाबेट कौन सा यूज होगा, कैपिटल। समझ आ रहा है आपको? यानी जब भी कैसा लिखा हुआ है कैपिटल में, तो समझ जाना किसके लिए लिखा है, एक्ट के लिए। पॉइंट क्लियर? अब एक्ट के पीछे ईयर आता है एक, कौन सा, 1930। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, जिन बच्चों ने मुझसे सुना हो वो तो 2 मिनट में जवाब दे देंगे। बेटा ये ईयर असेंट ईयर होता है, यानी जिस साल उस लॉ को सहमति मिली या जिस साल वो एप्लीकेबल हुआ। जैसे कंपनी एक्ट 2013 में आ गया था, लेकिन उसके सारे सेक्शन उसी समय एप्लीकेबल नहीं होते, वो धीरे धीरे क्या होते रहे हैं,
आते रहे हैं, तो हमेशा एक्ट के पीछे जो ईयर होता है वो बताओ कौन से वाला होता है, असेंट ईयर होता है। यानी जब भी मैंने लिखा 1930 तो यानी इसको असेंट कब मिलेगी, 1930 में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को असेंट कब मिली, 1961 में। पॉइंट समझ आ रहे हैं, यानी ईयर कौन से वाला आता है जल्दी बताओ, मजा नहीं आ रहा। ईयर कौन से वाला आता है, क्या एप्लीकेबल ईयर नहीं आता इसमें, नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा यार, जब ये लॉ लिखा गया, ये एक्ट लिखा गया, तो एक्ट किस में लिखा गया, पैराग्राफ्स में। ये हो गया बेटा पैराग्राफ नंबर कौन सा, वन। तो इसे जिसे आप पैराग्राफ नंबर वन कह रहे हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ नंबर वन, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्शन वन। समझ आ गया। पैराग्राफ नंबर टू को बोलना पड़ेगा, पैराग्राफ नंबर टू को सेक्शन नंबर टू, पैराग्राफ नंबर थ्री को सेक्शन नंबर थ्री। ये तो आपको मैंने बता दिया, यानी लॉ में पैराग्राफ्स को क्या कहा जाता है, सेक्शंस। अब सवाल मेरा आपसे एक और है, यार बीच में कई बार पॉइंटर्स भी तो बन जाते हैं, वो सब सेक्शन भी हो सकते हैं और क्लॉज भी हो सकते हैं। बोलना पड़ेगा, वो सब सेक्शन भी हो सकते हैं और, मजा नहीं आ रहा, वो सब सेक्शन भी हो सकते हैं और है। यानी जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूं, बचपन की आपको बातें याद दिलाता हूं। यार आप स्टाफिंग की प्रोसेस होती थी तो उसके कुछ स्टेप्स होते थे, पॉइंटर्स बनते थे या नहीं, प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग की लिमिटेशन, प्लानिंग का ये सब होता था ना। ठीक है, ये कब था, था ना। तो यानी वो कुछ पॉइंटर्स बनते थे ना उसके अंदर, पहले आप प्लानिंग की डेफिनेशन लिखकर फिर फॉलोइंग आर द स्टेप्स, फिर पॉइंटर लिख देते थे। तो ये पॉइंटर्स जो लिखे जाते हैं ए बी सी डी, ये पॉइंटर्स क्या सब सेक्शन है या क्लॉज है, ये बात किस किस को, जो मुझसे ना पढ़े हो, आप में से कोई है जो फाउंडेशन में मुझसे ना पढ़े हो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, है ना। क्या आपको पता है बेटा डिफरेंस, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो पढ़े हुए बेटे तो उनको तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं तो आपको भी बताना चाहूंगा ना। बताओ बेटा आप, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि आप बता पाएंगे। और बच्चे, और यहां से और भी कुछ बच्चे बताना चाह रहे थे जो आप कोई बताना चाहेगा बेटा, ये पता होना चाहिए आपको, पहली क्लास से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सबसेक्शन एंड व्हाट इज क्लॉज। देखो अगर पॉइंट्स में, आपस में लिंक है, यानी लिंकेज है, डिपेंडेंस है, सीधी सी बात, पॉइंट्स आपस में क्या है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, तो क्या कहते हैं उन्हें, सबसेक्शन। इसकी फर्स्ट अप्रोच बता रहा हूं जो माना गया है, इंटरप्रिटेट जो लॉ मेकर है, जो लेजिस्लेचर है या जो लॉ रीडर है, वो सब क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, जो पॉइंटर्स बन रहे हैं, क्या उन्हें क्या पुकारना चाहिए, सबसेक्शन पुकारना चाहिए या क्लॉज। तो बताओ, जैसे अगर एक एग्जांपल, स्टाफिंग की प्रोसेस में स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री आपस में लिंक करते हैं या नहीं करते, उनमें डिपेंडेंस है या नहीं है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर, यानी वो पॉइंट्स आपस में लिंक कर रहे हैं, तो इन्हें मैं क्या कह दूं, सबसेक्शन। जे कार लगाओ, इन्हें मैं क्या कह दूं, मजा नहीं आ रहा, इन्हें मैं क्या कह दूं, लेकिन अगर पॉइंट में ए बी सी डी इनमें कोई भी लिंक नहीं है, कभी डिक्शनरी देखी है, मजा नहीं आ रहा, कभी डिक्शनरी देखी है, डिक्शनरी में जब लिखा जा रहा होते हैं वर्ड्स के मीनिंग, क्या पहला वर्ड और दूसरे वर्ड में कोई रिलेशन है, पहले वर्ड का मीनिंग और दूसरे वर्ड में, पॉइंटर्स तो वहां भी बन रहे हैं, पॉइंट्स तो वहां भी बन रहे हैं, लेकिन आपस में लिंक नहीं है, तो इन्हें क्या कह दिया गया, क्लॉज। पॉइंट समझ आ गया, कब सबसेक्शन कहा जाएगा और कब क्लॉज, अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे तो। एक और अप्रोच भी है,
जो लॉ मेकर इंटरप्रिटेशन के वक्त पे यूज करते हैं, लॉ रीडर इंटरप्रिटेशन के वक्त पर यूज करते हैं, उस अप्रोच का नाम क्या है? अप्रोच नंबर। ये बेटर अप्रोच है, ये बेस्ट अप्रोच है, ये फॉलो होती है कि अगर पॉइंट्स में आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंस लिंक है, तो सब सेक्शन कहो उन्हें, नहीं तो उन्हें क्या कहो, क्लॉज कहो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? दूसरा बताऊं क्या है, अगर कहीं पर सीधा पॉइंट्स दे रखे हैं तो सब सेक्शन, सेंटेंस देकर कुछ पॉइंटर्स बने हैं, यानी पहले कोई सेंटेंस है फिर पॉइंटर्स है, तो उन्हें क्या कहा गया, क्लॉज। अप्रोच वन ज्यादा बेटर मानी जाती है अप्रोच टू से मुकाबले। दूसरी अप्रोच क्या है, यानी कोई स्टार्टिंग में सेंटेंस लिखा गया है, बोलना पड़ेगा स्टार्टिंग में कोई क्या लिखा गया है, और फिर कुछ पॉइंट्स बनकर आए हैं, तो उन्हें क्या कहा गया, क्लॉज, और सीधा डायरेक्टली ही पॉइंटर्स है, सबसेक्शन। पॉइंट क्लियर है? एक बार ना, अभी मैं कोर्स स्टार्ट करने लगा हूं आपका, लेकिन उससे पहले जितना हमने पढ़ा, आप सबके जयकारे में आवाज होनी चाहिए, दम होना चाहिए, ठीक है ना? आज आपकी मेरी फर्स्ट क्लास है, और जो फर्स्ट क्लास में जोश है वो आपकी एंड क्लास तक भी रहेगा जोश, इस बात की आप टेंशन ना लीजिए। नहीं अगर रहेगा तो मैं आपको कसमें दे देके जगवा लूंगा, ठीक है ना? आ जाओ यार, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं सब कुछ हटा रहा हूं, नोटिंग का टाइम अभी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब रिलैक्स होकर पहले बैठे और एक्टिव होकर बैठे, चलो गुड, बहुत बढ़िया। यार पेपर नंबर कौन सा हमारा, मजा नहीं आ रहा, पेपर नंबर। अच्छा पेपर नंबर टू का नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। यार एक बात बताओ, लॉ हमें पढ़ने के लिए कह रहे हैं, जबकि लॉ हमारे को कोर्स में तो एक्ट के नाम दे रखे हैं, क्या लॉ एक वाइडर टर्म है एक्ट के मुकाबले, हां या ना? हां भाई हां, बोलना कैसे है, हां भाई हां। लॉ इक्वल टू क्या, रूल्स, एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन, और भी कुछ होते हैं बायलॉज वगैरह, वो होते हैं, अभी हमें इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यार यानी हमें कोर्स में लॉ पढ़ना है तो लॉ के लिए हमें एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो एक्ट आता कैसे, एक्ट आता कैसे है? सबसे पहले किसी भी कंट्री में क्या आती है, उन प्रॉब्लम्स के, मैं नहीं रहा, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कौन बना रहा है, मैं नहीं रहा, सोल्यूशन कौन बना रहा है, पक्का लेजिस्लेचर किस पेपर पे लिख रहा है, और वो जब पेपर पे सारे सोल्यूशन लिख देगा वो प्रपोज ड्राफ्ट या बिल, अब ये बिल उठा करके दे जाएंगे, इसको कोनी मारो बेटा, पतली वाली मारना कोनी, चुभे दर्द। चलो सबसे पहले हम जाएंगे कहां, लोकसभा, फिर राज्यसभा, दोनों जगह से अगर पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको क्या देगा, जैसी असेंट दिया वो बिल क्या हो गया, मैं नहीं रहा, जैसी असेंट दी वो बिल क्या हो गया, एक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो बिल किस में कन्वर्ट हो गया, एक्ट में। पॉइंट क्लियर? अच्छा अब सवाल उठता है, इसके बाद ये कहां छपेगा, ऑफिशियल गैजेट, किसमें, गवर्नमेंट की क्या होती है वो, न्यूज़पेपर या मैगजीन, गवर्नमेंट को कुछ भी इंफॉर्म करना है ना तो उसमें नोटिफिकेशन देती है वो। पॉइंट समझ आ रहा है? फिर ऑफिशियल गैजेट के बाद किसको बता दिया जाता है, फिर मीडिया इसको इन्फॉर्म कर देती है, पब्लिक तक पहुंचा देती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। याद तक का पॉइंट क्लियर? गुड। फिर अब सवाल उठता है, एक्ट एप्लीकेबल कब से होगा? पहली बात तो एप्लीकेबल के कुछ दो नाम और भी बताए, क्या, कमेंसमेंट और केम इन टू फोर्स, बोलना पड़ेगा, कमेंसमेंट एंड, मैं नहीं रहा, कमेंसमेंट एंड, है ना, ये भी कहा जाता है, तो कब होगा, अगर डेट बताइए तो तब से, नहीं बताई तो असेंट डेट से। तो अब लॉ क्या होता है, एक्ट तो हमें समझ आ गया ऐसे ऐसे बनकर आएगा, लॉ क्या होता है, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड एंड इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री, किस लिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। पॉइंट क्लियर? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी। रूल कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोसीजरल वर्क्स उसमें लिखे जाते हैं जनरली। अच्छा फिर रेगुलेशन, तीन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके नाम बताना, आरबीआई, वाह मजा नहीं आया दोबारा, आरबीआई, सेबी और
IRDA, ये बनाती है रेगुलेशंस, ठीक है जी। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। जब पार्लियामेंट का सेशन क्या है? ऑफ पे। तो हमारे संविधान ने किसको पावर दिया? मुझे, किसी को? प्रेसिडेंट को पावर दिया। किस चीज की? कि तुम क्या पास कर सकते हो? ऑर्डिनेंस। लेकिन ये सिर्फ तब कर सकते हो जब पार्लियामेंट का सेशन। और बताओ बेटा, जिस दिन पार्लियामेंट खुलेगा फिर बताओ क्या करा जाएगा? इसे पेश करा जाएगा, और अगर वहां पास हो गया तो ये कंटिन्यू करेगा, वरना इसकी उसी वक्त ही क्या हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? पक्का? अच्छा, लॉ के पैराग्राफ, लॉ का जब नाम लिखा जाता है तो एक्ट आता है। एक्ट, एक्ट में जो आ रहा है वो कैसा सा होगा? कैपिटल लेटर में होगा। और उसके बाद जो ईयर होता है वो कौन सा वाला होता है? मजा नहीं आ रहा, वो कौन सा वाला होता है? पक्का? एकदम रापचिक समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड। फिर लॉ के पैराग्राफ को क्या कहा जाता है? सेक्शन। बोलना पड़ेगा, लॉ के पैराग्राफ को क्या कहा जाता है? अच्छा, सेक्शंस के अंदर जो, सेक्शन के अंदर जो पॉइंटर्स बने हैं, या तो वो क्या होंगे? सब सेक्शन, या फिर clause. या तो वो सब सेक्शन होंगे या फिर clause. कब सब सेक्शन और कब क्लॉज? जब पॉइंट्स में आपस में लिंक है, मतलब रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या है, तो हमने क्या कह देंगे? और अगर रिलेटेड नहीं है तो clause. और दूसरी अप्रोच, अगर डायरेक्टली पॉइंट्स दे रखे तो, और अगर विद सेंटेंस दे रखे तो clause. क्या आपको यहां तक की बातें समझ आ रही है? पक्का बीड़ू? गुड, बहुत बढ़िया। इधर आओ, अब सुनना, पेपर कितने कितने मार्क्स का आ रहा है? नहीं, 100 का टोटल है, उसमें से हमें अगर बात करूं किसकी? कॉर्पोरेट लॉ, जिसे आप कंपनी से एक्ट 2000 किसका कहेंगे? 13 या मेरा? 13 2013 जो हमने स्टार्ट करना है उसका है, उसके अंदर हमें पूरे नहीं पढ़ने, सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर्स कैसे बनते हैं? विद सिमिलर सेक्शन, सिमिलर टॉपिक से होते हैं, उनके ऊपर जो भी बातें उनको ऐड कर दो तो एक चैप्टर बन गया। नॉर्मल जिंदगी वाला रूल है। बताओ यार, इंटीग्रेशन के चैप्टर में सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के मिलेंगे, डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन। सर कोई और एग्जांपल नहीं ले सकते थे? मैथ्स का ही लेना था। हाँ बेटा, ठीक है ना, मैथ्स के भी, वो भी यही चैप्टर, मैट्रिसेस के अंदर में। तो ऐसे ही क्या होता है, एक चैप्टर के अंदर उससे रिलेटेड सारे सेक्शन मिलेंगे, सारे पैराग्राफ्स उससे रिलेटेड मिलेंगे, उससे रिलेटेड बातें मिलेंगी। तो हमारे को टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 10। और दूसरी तरफ हमारा जो अदर लॉ है, सात वाली गली में जो अदर लॉ बैठा हुआ, वो कह रहा है मैं आता हूं कितने मार्क्स का? 40 का। उसके अंदर हमारे को 3 एक्ट और एक इंटरप्रिटेशन पढ़ने हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बताते हैं कि लॉ पढ़ा कैसे जाता है। और उसमें से मैं फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18, कौन सा? 72। आ जाओ मेरे साथ, आप सब एक हेडिंग बना रहे हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये तो हम फाउंडेशन में भी पढ़ाए थे, है ना? अब आओ जरा यार, हमें, मैं वैसा नहीं हूं बेटा। हाँ मैं नहीं हूं, लेकिन मैं बताना, क्लैरिटी मस्ट है बेटा, सामने वाले का टेस्ट देख के। जरा सुने, आगे बात करते हैं। वत्स ने, आपको उसकी आवाजें बड़ी सुनाई दे रही है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसे कहते हैं मुंह पे बेइज्जती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ना बेटा देखो, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने सेक्शन, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में सेक्शन कहां से 1 से 75 तक जो दे रखा है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं जो कहां दे रखी है, सेक्शन 1 से 75 तक ऑलरेडी कवर्ड इन सीए। तो मारते क्या इंटर में पूछा जाएगा इस पर क्वेश्चन? नहीं, ऑलरेडी कवर्ड इन फाउंडेशन, है ना? और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, फाउंडेशन और इंटर में बहुत डिफरेंस है, ये बात को आपको थोड़े टाइम में रियलाइज हो जाएगा, ठीक है ना?
तो आपको थोड़ी सी अपनी सिटिंग हैबिट बढ़ानी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी आपको, सिटिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी बेटा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। धीरे धीरे नहीं बेटा, आज पहले दिन से ही आप अपना इरादा बांध ले कि हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, और आज जो आपने माइंड में सेट कर लिया ना वो ही रहेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दो, एक दो एग्जाम्पल। कभी आपने देखा होगा अगर आप फर्स्ट क्लास में लेट आए हैं तो आपको वो आदत पड़ जाएगी और आप उस पूरे बैच में एंड तक लेट ही आएंगे, क्योंकि आपका घर से निकलने का वही टाइम होगा, उठने का वही टाइम होगा, निकलने का वही टाइम होगा, रास्ते में उतना टाइम, फिर आने में उतना टाइम, हर चीज वैसे ही प्लान हो जाएगी। जो पहली क्लास में आपने आदत डाली ना वो आपकी एंड क्लास तक वो ही रहेगी। तो आप सब आदत डाल लो, हमें बैठना है, पढ़ना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा कोई अटेम्प्ट ही नहीं है, गोल्डन अटेम्प्ट, गोल्डन अटेम्प्ट। आप सब ध्यान देंगे इधर। हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो है हम कहां पढ़ चुके हैं बताओ? सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हमारे को इंटर में क्या पढ़ने हैं बेटा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जयकार लगाओ। इंटर में हमें क्या पढ़ने हैं? सर वो कौन कौन से हैं जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? वो कौन कौन से हमारे कोर्स में? प्लीज, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे कोर्स में कौन कौन से? बहुत डिटेल डिस्कशन है बेटा हमारे कोर्स में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, जिसमें सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पहले कॉन्ट्रैक्ट का नाम आप सबको बताना पड़ेगा। क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सभी बच्चे जयकार लगाएंगे। पहले का नाम क्या है? मजा नहीं आया दोबारा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, एक ये हमें पढ़ना है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, बोलना आपको ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, मजा नहीं आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अगर आप आवाज निकाले भगवान करके आपके हर सब्जेक्ट में 10-10 मार्क्स बढ़ जाए। बताओ बेटा हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पहले कौन से हैं? इंसान कितना लालची है ना। दूसरा बताओ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। थर्ड है जहरीले, क्या कह रहे? मैं लालची हूं, देख लो, सब कर्मों में जुड़ता है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अगला कौन सा जल्दी बताओ? एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपको कौन सा पढ़ना है? एजेंसी। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने मार्क्स का आएगा? सवाल ये है सर, हम ना मार्क्स के अकॉर्डिंग ना बहुत ध्यान देते हैं। अरे ये इतने का आएगा, मैं आपको बताता हूं, 12 to 16 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट अटेम्प्ट बता रहा हूं। 12 से 16 मार्क्स का आएगा ये, यानी 1/6 ऑफ द पेपर है। हाँ 1/6 ऑफ द पेपर, अगर आप 16 मार्क्स का आ गया तो 96 तो बन ही रहे ना, अप्रोक्सीमेटली 1/6। सर हम तो बहुत कैलकुलेशन करते हैं, हमें तो हम पॉइंट्स का भी हिसाब। अरे मैं जो कह रहा हूं 1/6 के आसपास आ जाएगा तो आ जाएगा, सुन लो, है ना। नहीं कई बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अरे 96 का 1/6 हो गया ना सर, 100 का क्यों बोल रहे? अबे भाई बात सुनो, 16 मार्क्स तक का आ जाएगा। कहने का मतलब ये है पहले दिन से ही ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, एक्ट, एक्ट एवरीडे, ठीक है ना। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बताओ बेटा तीनों के नाम आपको बताने हैं मेरे साथ। पहला, अरे मैं पहले ना आपको थोड़ी लालच देता हूं, रुको, अब देखना फिर आवाज देखना बेटा। जो जो बच्चा सब में 10-10 मार्क्स बढ़ जाएं आपके भगवान करके, कह रहे 30 तो हो गए बस 10 ही लाने हैं फिर तो।
अरे भाई कितना लालची है, कह रहे चल 30 तो हो ही है, बाकी हम देखते हैं। तीन बारी बोलने में 30 आ गया सर, एक बारी और बता लो 60 हो गए एग्जेम्पशन। बताओ फटाफट से, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हैं? तीन। पहले का नाम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, दूसरे का नाम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेच, और टीजे का नाम। वेरी गुड, आपके लिए एक वही वाला जयकारा रहेगा। अब मैं आपको जब भी बोलूंगा ना ओ हो, आपको बोलना है आहा। जब भी आप अच्छा जयकार लगाएंगे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओ हो, वेरी गुड। इधर आओ सर, हम इन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से, हम इन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से सबसे पहले क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जयकार लगाओ। इन सब में से सबसे ज्यादा जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम आप सब मुझे बताने जा रहे हैं क्या? सर हमने फाउंडेशन में इतना सा पढ़ा था, अब कितना है बेटा? बहुत ज्यादा है। आपने फाउंडेशन में बस इतना सा पढ़ा था, लेकिन आपके इंटर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे बहुत डिस्कशन है। तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की हेडिंग बना रहे हैं, यस और नो? मजा नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की हेडिंग बना रहे हैं। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है? ये जो बेलमेंट शब्द है ना, ये बेटा एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। फ्रेंच वर्ड, ये जो बेलमेंट वर्ड है, पहली बात आपको पता होना चाहिए ये कहां से डिराइव हुआ है। फ्रेंच वर्ड है, एक बेलर है। नहीं, स्पेल फर्क है बेटा, ओ आर वाला नहीं है, वो ई आर वाला है, वहां से डिराइव हुआ। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये फाउंडेशन वालों को किसी को नहीं पता होगी, अब पता चलिए ना आपको। बताओ बेटा, बेलमेंट का जो शब्द आया, ये जो कॉन्सेप्ट, इस चीज को नाम दिया गया। किसी भी चीज को कोई नाम देते हैं तो कहीं ना कहीं से तो उठाकर देते हैं ना, ठीक है ना? जैसे अब मान लो किसी का नाम रख दिया कृष्णा, तो इट मीन्स क्या है, प्रभु के नाम से उसका नाम रखा गया है ना। तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी मैं वही बात कर रहा हूं, बेलमेंट नाम दिया गया इस टॉपिक को, तो वो कहां से उठाकर दिया गया? एक फ्रेंच वर्ड है क्या? बेल। खरे यहां की बातें आओ जरा, जैसे लेट सपोज संस्कार को लेट सपोज बेटा गुड़गांव से दिल्ली जाना है। संस्कार को गुड़गांव से कहां जाना है? दिल्ली जाना है, ठीक है। लेकिन इसके पास ना जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई भी साधन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो संस्कार की सीधा नजर किस पर पड़ी? सौरभ पर। और सौरभ को आकर कह रहा है यार सौरभ, जो तेरे पास बाइक है, जो तेरे पास क्या है, बाइक, वो मुझे दे दे। अरे ये रेडी नहीं है। चलो, तो इसने कहा कि तू अपनी ना, जो मुझे, जो तेरे पास बाइक है ना, वो मुझे दिखा दे, मैं एक बारी दिल्ली होकर आना है और आकर तुझे क्या कर दूंगा, वापिस। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पक्का? तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सौरभ ने कहा, भाई तुझे कुछ मना थोड़ा ना करा आज तक, तो ये कैसे मना कर दूं? अरे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे आप। सौरभ कह रहा है कि तुझे कुछ मना थोड़ा ना करा, ले जा यार बाइक, क्या दिक्कत वाली बात है, ले जा बाइक। ओके, अब बताओ बेटा, संस्कार ये बाइक लेकर दिल्ली गया और दिल्ली से होकर आकर इसने सौरभ को क्या कर दी वापिस? मेरा सवाल, क्या सौरभ और इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना ना संस्कार के बीच में, वो बना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? जयकारा हो जाए, कौन सा बना है? जिसमें सौरभ को मैं कहूंगा बेलर, क्योंकि बेलर क्यों कहूंगा इसने, क्योंकि गुड्स दिए हैं।
जो बंदा गुड्स किसी को देता है वो कौन होता है? बेलर। मजा नहीं आ रहा, वो कौन होता है? बेलर। यानी जो ऑनर ऑफ द गुड्स था, जो कौन था? ऑनर ऑफ द गुड्स, और जो गुड्स दे रहा है उसे क्या कहेंगे? बेलर। और संस्कार, जो बाइक लेकर जा रहा है और कह रहा है आकर वापस दे दूंगा, तो संस्कार को आजकल क्या कहेंगे? बेली। कौन? बेली, है ना। तो बेली क्या होता है? हु टेक्स द गुड्स। पॉइंट समझ आ रहा है? जो गुड्स दे रहा है वो कौन है? बेलर। जो गुड्स दे रहा है वो कौन है? बेलर। और जिसको दे रहा है वो? मेरा सवाल, क्या इसकी मालिक पंती ट्रांसफर होती है या नहीं? यानी बेलमेंट में क्या होता है? क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है? यानी एक बंदा दूसरे को गुड्स दे रहा है या नहीं दे रहा? कौन किसको गुड्स दे रहा है? हमारे एग्जांपल में जल्दी बताओ, आवाज में दम क्यों नहीं? कौन किसको दे रहा है? तो यानी ये गुड्स तो दे रहा है, लेकिन क्या ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा है? क्या इसको इसने साथ में मालिक भी बनाया? यानी बेलमेंट में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। बोलना पड़ेगा, उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? गुड्स तो ट्रांसफर होते हैं लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा, गुड्स किस लिए ट्रांसफर होते हैं? फॉर सम पर्पस। यहां पर पर्पस क्या था? कि मुझे गुड़गांव से दिल्ली होकर जाना। और जैसे ही पर्पस क्या हो जाएगा? पूरा। जैसे ही पर्पस क्या हो जाएगा? पूरा। तो बताओ बेटा, संस्कार इस गुड्स को क्या कर देगा? वापस। संस्कार इस गुड्स को वापस कर देगा। पॉइंट क्लियर हुआ? पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, एक बच्चा, लेट सपोज, और लेते हैं बच्चों को एग्जांपल में, आपका नेम कार्तिक है, कार्तिक है ना, कार्तिक और सार्थक। मान लेते हैं बेटा कार्तिक जो है वो पेन नहीं लाया, अपने क्लास में बैठा है, क्लास में कह रहा लिखना क्या है ये वो, लेकिन मैंने बात ही आपको बोल दिया कि आपका रजिस्टर पूरा मेंटेन होगा, आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा मेरे साथ। क्योंकि जब मैं आपको एक बात बताऊं, दो डिफरेंस होते हैं, जब आप सिर्फ सुनते हैं ना, जब सिर्फ सुनते हैं तो क्या डिफरेंस रह जाता है? वो सुन तो लिया, वो यहां थोड़े दिन बाद इरेजर लगा होता है, वॉश हो जाता है हमारे माइंड से, हमारे माइंड में भगवान ने इरेजर लगा रखा है, वो वॉश हो जाता है और हमारे को ध्यान नहीं आ रहा होता क्या बोला था। लेकिन जब आप बोलने के साथ लिख लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाता है। तो मैं सारा कुछ साथ साथ लिखवाता हूँ, चार्ट्स, नोट्स, ये वो, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ। जो फाउंडेशन पड़े हुए वो तो बिल्कुल ही जानते हैं इस बात को। सुनना, अब ये कह रहा है कार्तिक, कह रहा है यार पेन तो लाया नहीं। इसने सार्थक को कहा, सार्थक भाई पेन दिखाइयो यार एक बारी, बताओ। सार्थक ने इसको पेन दिया और इसने पूरी क्लास में नोटिंग कर ली। नोटिंग करने के बाद क्लास के एंड पर बताओ बेटा कार्तिक क्या करेगा? इसे पेन लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? अंदर से, दिल से तो कह रहा नहीं यार रख लेते हैं, लेकिन वैसे बताओ लौटाना है या नहीं लौटाएगा? लौटाएगा, 101% लौटाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पक्का। तो यहां पर क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ, लेकिन क्या उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। और एग्जांपल, यार आप किसी कार डीलर के पास गए, आपने कहा यार ये कार रख लो, ये कार रख लो और इसको बिकवा देना, ठीक है? तो आप डिलीवरी ऑफ गुड्स करके आए हो या नहीं? यार अगर आपके पास, लेट सपोज ये सौरभ है, ठीक है, सौरभ के पास एक कार है, सौरभ उस कार को बेचना चाहता है, तो ये किसी कार डीलर के पास गया। बोलना आपको पड़ेगा, ये किसी कार डीलर के पास गया, मैं नहीं आ रहा, ये किसी, और उसको कहा ये कार मैं तुझे अभी थोड़े दिन देकर जा रहा हूं, इसको बेच दियो, इसे सेल कर दियो। और अगर सेल कर दिया तो ओके, नहीं तो ये मुझे क्या कर दियो? वापिस कर दियो। तो ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बताओ बेटा, क्या जब इसने कार डीलर के पास खड़ी करवा कर आया है, तो बताओ क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ है या नहीं हुआ? मजा नहीं आ रहा, डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ है या नहीं हुआ? लेकिन क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं हुई। यानी जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, बोलना पड़ेगा, जब एक पर्सन किसी दूसरे
गुड्स डिलीवर्ड करता है फॉर सम पर्पस, और पर्पस अचीव होने के बाद वो गुड्स क्या आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहा जाता है। बोलना पड़ेगा, ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहा। क्या आपको समझ आ गया? पक्का? ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है, इट रेफर्स टू द, मैं एक बार बोल रहा हूं, लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में भी, सुन लो, इट रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स, बोलना पड़ेगा, इट रेफर्स टू द बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस एंड आफ्टर द एक्म्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस द गुड्स शेल आइदर बी रिटर्न। और क्या आगे वाली नहीं बोलूंगा, गुड्स क्या कर दिए जाते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं। क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है समझ आना स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा? अच्छा, जो बंदा गुड्स डिलीवर कर रहा है वो कौन हो गया, बेलर, और जिसको कर रहा है, ठीक है ना। इसके आगे की बातें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉपरली कवर्ड, और पूरा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन और राइटिंग पार्ट सब कुछ। ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।